नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं रेलवे स्टेज 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का सिलेबस नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद्युत धारा से। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। तो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को कहते हैं हम विद्युत धारा, इसको क्या कहते हैं? करंट। आई से डिनोट करते हैं दोस्तों इसे। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, अब मात्रक देखते हैं। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। क्यू क्या है? आवेश। टी क्या है? समय। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक निकलता है वो क्या है? कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को कहते हैं हम एम्पियर। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि इसे फ्लो होने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों, इसे अब बात करते हैं, इसे अमीटर से मेजर किया जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? अमीटर से। ठीक है दोस्तों, या एक विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है वो यहां से एक और निकल सकती है, या आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पूरा आपका विद्युत धारा। अब बात करते हैं आपके वोल्टेज की। वोल्टेज, वोल्टेज क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसके कारण चालक के मध्य धारा प्रवाहित होती है। मीन्स वोल्टेज क्या है? ये धारा को प्रवाहित होने में मदद करता है। मीन्स एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसके कारण चालक के मध्य धारा प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, या वोल्टेज एक ऐसा स्थिर विद्युत बल है जो आवेश को चलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वोल्टेज को जो मेजर किया जाता है वो करते हैं हम वोल्ट मीटर से। वोल्टेज को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। ठीक है दोस्तों, तो वोल्टेज को हम किससे माप रहे हैं? वोल्ट मीटर से। अब बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर के बारे में। डिफरेंस दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि कोई दो बिंदु है, यहां पर कुछ पोटेंशियल है, यहां पर कुछ पोटेंशियल है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। या किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसे वी से डिनोट करते हैं। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? कार्य, वर्क, और क्यू क्या है? चार्ज यानी आवेश। ठीक है दोस्तों, मात्रक देखते हैं। जूल प्रति कूलाम। वर्क का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। और चार्ज यानी कि आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। और इसी को कहते हैं क्या? बोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसे किससे मेजर करते हैं विभवांतर को भी? बोल्ट मीटर से। और ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विभवांतर या वोल्टेज एक अदिश। अब देखेंगे दोस्तों प्रतिरोध, रजिस्टेंस। वह गुण जो उसमें से विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। मींस रेजिस्टेंस क्या है? जो विद्युत धारा के फ्लो होने का विरोध करता है, उसे रोकता है, तो उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। इसे दोस्तों आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है? ओम। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस हो गए। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या होता है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी वस्तु पर बल अनुभव कराता है। ठीक है दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों एक छड़ी लीजिए, एक छड़ी को बालों से रगड़ते हैं जब, तो उसके बाद जब उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उस छड़ी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे ये हम समझ सकते हैं दोस्तों कि इस छड़ी में जो चार्ज आवेश आ गया वह उस कागजों के ऊपर वो अपने खुद को फील कराता है। तो विद्युत आवेश ऐसी यही है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी वस्तु पर बल अनुभव कराता है। ठीक है दोस्तों,
विद्युत आवेश दोस्तों दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश यानी कि पॉजिटिव, दूसरा ऋणावेश यानी कि नेगेटिव। दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक विद्युत आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, विद्युत राशि कैसी है, एक अदिश राशि है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इससे एक न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल है दोस्तों, यदि किसी तार में 10 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो उसमें धारा का मान बताइए। दोस्तों आई बराबर क्यू अपॉन टी पता है हमें, और इसमें कूलाम का मान दिया है, क्यू यानी क्यू 10 कूलाम, और समय की वैल्यू दी है टी की वैल्यू 2 सेकंड। तो आई बराबर क्यू अपॉन टू इस फॉर्मूले में रख देंगे, 10 अपॉन 2, तो इससे जो आई की वैल्यू कितनी मिली है, 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखेंगे दोस्तों इनसे आने वाले कुछ क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह मीटर जो प्रतिरोध को मापता है उसको कहते हैं हम ओम मीटर, वह मीटर जो धारा को मापता है उसको क्या कहते हैं हम अमीटर, और जो वोल्टेज को मापता है उसको क्या कहते हैं हम वोल्ट मीटर। अब नेक्स्ट है आवेश की बीमा, तो आवेश की बीमा क्या होती है, ए टी। आवेश क्या होता है, क्यू, और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई की बीमा ए और समय की बीमा टी, तो जो आवेश की बीमा निकलती है वो क्या होती है, ए टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, विभवांतर का। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर आई बराबर क्यू अपॉन टी क्या होता है, विद्युत धारा। नेक्स्ट है दोस्तों आवेश की जो एसआई यूनिट है उसको क्या होती है, कूलाम, या ऐसी कूलाम को क्या लिखते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।